हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं किसी ना किसी एक टॉपर का। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था विक्रांत राजावत का इंटरव्यू, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू इंटरव्यू अनदर टॉपर हु इज साक्षी जैन, एंड शी हैज बीन सेलेक्टेड थ्रू SSC CGL 2018 एग्जाम। और ये CGL 2018 के तहत एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सेलेक्ट हुई है, राइट? जी सर। Okay, so she has been selected at the post of excise inspector. So चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को, और इसमें हम जानेंगे कैसी रही साक्षी की जर्नी, कब इन्होंने तैयारी करी, कैसे तैयारी करी, कौन सी बुक्स पढ़ी, कौन से टीचर्स को फॉलो किया, क्या किया, कैसे किया, सारी बातों को हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी सफलता के लिए, आपकी सक्सेस के लिए, आपने एक अच्छी पोस्ट, रेप्यूटेड पोस्ट हासिल की है। और आप अपना स्कोर बता दीजिए एक बारी सभी को कि कितना आपका स्कोर था सीजीएल 2018। सर मेरा अप्रोक्सीमेटली 601.8 समथिंग था। 601.8 आपका स्कोर था, तो दैट वाज अ वेरी प्रीटी गुड स्कोर इंक्लूडिंग टियर 3। यस सर। ओके, अच्छा आप एक बारी सेक्शन वाइज बता दीजिए, टियर 1 में कितना था, फिर टियर 2 में कितना था और टियर 3 में कितना था। सर रॉ और नॉर्मलाइज्ड बताइए, रॉ का कोई सेंस नहीं है जब एग्जाम में उसके नंबर। सर 180 समथिंग प्री में थे। ओके। और मेंस में मैथ्स में 171 था, इंग्लिश में 190 था और टियर 3 में 59 मार्क्स थे। ओके ओके, मतलब इंग्लिश में आपने 190 स्कोर किया था, दैट वाज अ प्रीटी डिसेंट स्कोर। ओके, तो 601 पे आपने एक्साइज ऑप्ट की थी या आपको मतलब आपने प्रेफरेंस में एक्साइज ऊपर डाली थी या फिर आपको मिली ही एक्साइज है? जी मैंने एक्साइज सबसे ऊपर ही रखी थी। सबसे पहली प्रेफरेंस आपकी एक्साइज थी? जी। तो बेसिकली आप चाहते ही थे एक्साइज लेना? जी, मैं होम स्टेट के कारण मैंने एक्साइज सबसे ऊपर रखी। होम स्टेट के कारण एक्साइज की पोस्ट की थी। अदरवाइज आपको इतने मार्क्स पे कौन सी पोस्ट मिल सकती थी? आई थिंक सर CSS मिल सकती थी। अच्छा, CSS मिल, और भी अदर पोस्ट थी। अच्छा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर? नहीं सर, 605 कट ऑफ था। तो CSS लेकिन आपको मिल जाती इतने पे? जी। ऑलराइट, तो आपने CSS ना ऑप्ट करके आपने इसको ऑप्ट किया है, आपने एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट ऑप्ट की है। तो इसमें क्या आपके स्टेट में वैकेंसीज हैं? जी हैं सर। अच्छा, तो मतलब आपको एक्चुअली 23-24 के आसपास वैकेंसी है जनरल वालों के लिए। एक्साइज में रैंक कितनी है, मतलब जो एक्साइज के बच्चे सेलेक्ट हुए उनमें से? आपने नहीं देखी है? नहीं सर, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक सर 314 या समथिंग। नहीं, मैं उसकी रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। एमपी में एक्साइज में जैसे बच्चों आप सेलेक्ट हुए होंगे ना, तो उसमें अगर आपकी टॉप रैंक होगी तो आपको एमपी में पोस्टिंग मिल जाएगी, मैं इसलिए कह रहा हूँ। सर एमपी में मैंने देखा था, एमपी में 10th रैंक है जनरल में। अच्छा, ओवरऑल 10th रैंक है, वही मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर 23 पोस्ट है और तो आपको फिर मिल जाएगी, इसलिए मैं पूछ रहा था। हाँ सर 10th है और जनरल में 9th है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इंटरव्यू को। आप साक्षी जैन है और आप कहाँ से है? सर मैं एमपी से हूँ, एमपी में सागर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन है खिमला सा, मैं वहां से बिलोंग करती हूँ। ओके, तो आप रहने वाले सागर के किसी गांव से हैं, और आपने पूरी पढ़ाई कहाँ से की है अपनी? सर एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन जबलपुर से की थी और SSC की प्रिपरेशन इंदौर से की थी। और स्कूलिंग आपने सागर से की है? हाँ सर, अपने होम टाउन से की है। स्कूलिंग होम टाउन से की थी, तो आपने ग्रेजुएशन में कौन से मतलब क्या किया है, BSc BTech क्या किया है? सर मैंने बी किया है ग्रेजुएशन में, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से। अच्छा, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से बीए किया है। और जी गवर्नमेंट कॉलेज है वो, वहां से। किस सब्जेक्ट से बीए किया है? बी किया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से। बीई किया है? जी सर बी किया है इंजीनियरिंग। ऑलराइट, मुझे बीए सुनाई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। नहीं नहीं बीई किया है, बीई किया है CS से। कुल मिला के आप इंजीनियर हैं? जी। तो इंजीनियर हैं तो ऑब्वियसली बात है 12th में आपके पास मैथ्स रहा ही होगा। तो आपकी स्कूलिंग एमपी बोर्ड से हुई है या CBSE बोर्ड से है? जी एमपी बोर्ड से हुई है। एमपी बोर्ड से, तो आप हिंदी मीडियम से हो? जी हिंदी मीडियम से। ओके, हिंदी मीडियम के बाद आपने बीई किया और उसके बाद फिर आपने SSC की तैयारी की। तो आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ है? सर 2017 में।
2017 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और आपने 2018 वाला सीजन निकाल लिया है, यानी कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक्साइज की पोस्ट पा ली है। जी सर, करेक्ट। तो आपने सीजीएल 2019 भी दिया है शायद? जी सर, दिया है। उसमें कितना स्कोर है सर? अभी तक तो 540 के आसपास बन रहा है। 540 के आसपास बन रहा है। अच्छा, तो अगर अभी आप एक्साइज होम टाउन मिल गया तो आप स्विच करेंगे कहीं, या फिर आपको कुछ, या इतने में सेटिस्फाइड है? सर, अगर नॉर्मलाइज होने के बाद मार्क्स बढ़ते हैं और अगर मुझे बेटर पोस्ट मिलती है तो बेटर पोस्ट एज एज एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इनकम टैक्स इन होम टाउन मिलेगी तब? हाँ, नहीं सर, कहीं भी मिलेगी मैं चले जाऊंगी। इनकम टैक्स कहीं भी मिलेगी तो आप ऑप्ट कर लोगे? जी। ओके, मतलब इसके बाद आप अगर इनकम टैक्स मिलती तो ही जाओगे, बाकी एमईए वगैरह का कोई प्लान? सर, एमईए का कट ऑफ बहुत हाई जाता है, मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं है फिलहाल। नहीं है मतलब, हाँ सीजीएल सर 90। हाँ, तो आप सीजीएल 20 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप हो गया? नहीं सर, अभी तो नहीं कर रही हूँ, और अभी वैसे भी एग्जाम पोस्टपोन हुए थे तो मैंने सोचा भी नहीं उसके लिए अभी प्रिपरेशन करने का। चलो अच्छा है, वीडियो देखने वाले बच्चे कुछ खुश होंगे कि एक कंपटीशन कम हो रहा है। हाँ सर। तो यू स्कोर्ड प्रीटी वेल, आपका स्कोर काफी अच्छा था, मतलब मैं आपसे हमेशा से जुड़ा रहा हूँ, आपका स्कोर एटलीस्ट मैं पूछता रहा हूँ कि कैसे कितना स्कोर आता रहा है, तो स्कोर आपका अच्छा था। तो आप ये बताइए, आपने तैयारी 2017 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो आप फिर तैयारी कब शुरू करते हैं और कहां से शुरू करते हैं? एक्चुअली सर, 2017 में जब मैं ग्रेजुएट हुई थी तो मेरा कैंपस में हो गया था और उस टाइम मेरे पास दो कंपनीज के ऑफर थे। तो मेरी ज्वाइनिंग में थोड़ा डिले हुआ, तो मेरे घर वालों ने कहा कि मतलब मुझे प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए किसी भी चीज की, तो फिर मैं जॉब पे जाके भी मतलब आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ पढ़ाई। तो डिले होने के कारण मैं अपने भैया के पास इंदौर चली गई और मैंने वहाँ पे मतलब मेरे भैया ने बोला कि एसएससी बहुत अच्छा एक एग्जाम होता है, तो फिर मैंने वहाँ से कोचिंग करना शुरू की थी। तो जब मैं कोचिंग करने लगी तो मुझे बहुत ऐसे लगा कि एसएससी बहुत डूएबल है, कर सकते हैं, तो इसलिए फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और फिर इसी प्रिपरेशन में कंटिन्यू किया आगे। तो आपने जॉब कुछ समय तक की थी या फिर ज्वाइनिंग ली ही नहीं उसकी? नहीं सर, ज्वाइनिंग आई थी मुझे, तो मैंने एक्सटेंशन ले लिया था ज्वाइनिंग में कोचिंग के टाइम पे, लेकिन फिर मुझे फाइनल कॉल आया, इस टाइम मैं प्रिपरेशन चल ही रही थी कि या तो मुझे लेना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए, तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब छोड़ दूंगी, तो फिर मैंने छोड़ दिया उसको। और ये कब की बात है आपकी? सर ये आई थिंक फरवरी 2018 की बात है। फरवरी 2018 की बात है आपकी, जब आपने ये डिसाइड किया कि फाइनली आपको सीजीएल की ही तैयारी करनी है। जी। ओके, तो आपको बताया किसने एसएससी के बारे में? मेरे भैया ने बताया था मुझे। अच्छा अच्छा, तो वो क्या करते हैं? वो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ऑलराइट। तो आपने फरवरी 2018 में आपने प्रिपरेशन मतलब एक तरीके से शुरू की? नहीं सर, एक्चुअली मैंने अक्टूबर 2017 के आसपास स्टार्ट की थी, उस टाइम कोचिंग चल ही रही थी ना, 6 महीने के आसपास होती है, तो मुझे फाइनल कॉल फरवरी में आया। आपने कोचिंग ले ली थी मतलब एसएससी की कोचिंग आपने ऑफलाइन? हाँ, कोचिंग, जी कोचिंग ज्वाइन कर ली थी मैंने इंदौर में। हाँ सर। ओके, तो ऑफलाइन कोचिंग एक्सपीरियंस आपका कैसा था? सर काफी अच्छा था। एक्चुअली एसएससी मेरे लिए बहुत नया था, मुझे कॉलेज में पता भी नहीं था एसएससी होता क्या है, तो ऐसा जरूरी होता है कि आपको एक मतलब एक सही डायरेक्शन मिले, तो मुझे वो कोचिंग में सही डायरेक्शन मिला, मतलब फैकल्टीज ने एकदम करेक्ट डायरेक्शन दिया कि कैसे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे क्या प्रिपेयर करना चाहिए, तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो फिर आपने 2000 मतलब अक्टूबर में कोचिंग ज्वाइन कर ली, उसके बाद फरवरी तक आपको पता चल गया था कि ये कैसे क्या आपको करना है, उसके बाद फरवरी 2018 में आपने सीजीएल कौन सा, फिर आपके सामने पहला सीजीएल कौन सा पड़ा था आपके लिए? सर सीजीएल 18 ही था, मतलब मैंने सबसे पहले सीएचएसएल 17 दिया था, अप्रैल के आसपास हुआ था वो, और सीजीएल 18 तो फिर पोस्टपोन होकर 19 में आ गया था। तो पहला एग्जाम मैंने एसएससी का सीएचएसएल 2017 फेस किया था। तो सीजीएल फिर आपने कुल मिला के फरवरी से लेकर लगातार कोचिंग आपकी फरवरी में खत्म हो गई थी? हाँ सर, अप्रैल के आसपास खत्म हो गई थी और फिर उसके बाद एक साल तक सेल्फ स्टडी। ओके ओके, एक साल तक फिर आपने सेल्फ स्टडी की। ऑलराइट, आप अनअकैडमी से कब जुड़े थे? सर मैं अनअकैडमी से जुड़ी थी प्रीलिम्स के एग्जाम होने के बाद, जो प्रीलिम्स हो गया था जून में, उसके बाद मेंस के लिए 3 महीने का टाइम मिला था, तो तभी मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था। आप सीजीएल आप 2019 में जुड़े थे मुझसे?
यस सर, 2019 में जब CGL 18 का एग्जाम हुआ था, जनवरी 2009 जून 2019 में. अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों था कि आप मुझसे तब जुड़े थे जब अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन मॉडल नहीं था और वो कोर्स खरीदना पड़ता था. आप शायद, मुझे ऐसा लगता है उस समय जुड़े थे. सर नहीं, सब्सक्रिप्शन था, मैंने, मुझे याद है कि CGL का प्री होने के बाद मैंने ज्वाइन किया था अनअकैडमी. ओके ओके, तो अनअकैडमी पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ऑनलाइन में एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर मेरा बहुत अच्छा रहा है अनअकैडमी का एक्सपीरियंस, क्योंकि जनरली ऐसा होता है ना कि लोग का ऐसे पर्सपेक्टिव होता है कि अगर आपको मेंस की तैयारी करनी है तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, मुखर्जी नगर जाना पड़ेगा. तो उस टाइम मैं जाना नहीं चाहती थी, फिर मुझे अनअकैडमी के बारे में पता चला तो मैंने ज्वाइन की थी मेंस के लिए क्लासेस. तो इंग्लिश मैंने आपसे पढ़ी थी और मैथ्स के लिए भी क्लास ज्वाइन की थी अनअकैडमी पे, तो मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. मतलब मुझे मेंस में बहुत ज्यादा हेल्प मिली उस चीज के लिए. नहीं, एक चीज का तो बेनिफिट ऑनलाइन से ये है कि जो एक हमारे अंदर, जो हम छोटे शहर के लोग हैं, जैसे मैं अभी कानपुर से पढ़ता था, तो हम लोगों के अंदर जो एक मलाल रहता है कि यार बड़े शहर दिल्ली नहीं जा पाए, या दिल्ली जाता तो शायद कुछ और बेहतर होता, हमें ऐसा लगता है, भले ना हो लेकिन ये लगता रहता था कि बहुत कुछ बेहतर हो सकता था. लेकिन तो एटलीस्ट हमें वो टीचर्स तो ऑनलाइन मिल जाते हैं अनअकैडमी से, इतना बेनिफिट तो आई वुड से है ही. नहीं सर, अभी तो मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन में ज्यादा बेनिफिट है कंपेयर टू ऑफलाइन. हाँ, अभी तो कोविड भी है और ऑफलाइन खुल भी नहीं रहा है, और दूसरी चीज है ऑफलाइन में थोड़ा समय ज्यादा जाता है. कन्वीनियंस भी सर ऑनलाइन में ज्यादा रहता है, क्योंकि ऑफलाइन में फिर आपको ट्रैवल करना पड़ता है, कहीं दूर जाके रहना पड़ता है, तो इससे बढ़िया है कि आप ऑनलाइन ही ज्वाइन करें. हाँ, मतलब ऑनलाइन में आप अपने सागर से भी पढ़ सकते हो और ऑफलाइन में आपको इंदौर मूव करना ही पड़ता. हाँ जी सर. अच्छा ओके, तो आप ठीक है, आप जब आपने जब तैयारी शुरू की तो आपने एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की हम बात करेंगे कि सबसे पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं कि आपने मैथ्स की तैयारी कैसे की. कौन, देखिए आपने जो पेपर दिया है वो CGL 18 दिया है और आपने 19 भी दिया है, और जब आपने 18 दिया है तो आई थिंक आपने 17 के क्वेश्चंस वगैरह भी देखे होंगे, और आपने जो एक पूरा डायनेमिक्स चेंज हुआ है 17 से 18 में, ऐसा कहा जा रहा था कि टफ क्वेश्चंस है, ये है वो है, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई वैल्यू नहीं है, तमाम चीजें थी, उन सारी चीजों को, हर चीज का आप एक्सपीरियंस बताइए. आपने कौन कौन सी बुक्स लगाई, कैसे तैयारी करी, और क्या कुछ बदलाव एग्जाम में आपने देखे हैं, आपको लगता है कि ये चीजें बदल गई हैं और हमें अब इस बदली हुई स्ट्रेटजी से तैयारी करनी चाहिए? सर एक्चुअली जब CGL 17 में मैंने, मतलब CGL 18 के लिए जब मैंने 17 में शुरुआत की थी पढ़ाई की, तो मैं कोचिंग जाती थी, तो वहां पे जो सर पढ़ाते थे वो मैं टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जाती थी, और किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है प्रीवियस ईयर की, उसको लगाती रहती थी. लेकिन जब CGL 17 का मेंस हुआ, तो उसके बाद ऐसे पूरे में यू नो कि सबका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम्स आ रहे हैं. तो उस टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी सर, क्योंकि मतलब कॉन्फिडेंस पूरा खत्म हो चुका था. उस टाइम ऐसा लग रहा था कि जो हम पढ़ रहे हैं वो यूजलेस है, क्योंकि पेपर तो बहुत अलग आ रहे हैं, और आपको पता ही होगा सर मार्केट में कितनी तरह की अफवाहें उड़ रही थी कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, वैसी प्रैक्टिस करो. तो मुझे लगता है सर काफी डिफिकल्ट था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने खुद इस डर में कई सारी बुक्स लगाई, कई टीचर्स जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस कराते हैं उसमें करने की कोशिश की थी, बाद में मुझे लगा कि वो सब यूजलेस है, तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझसे नहीं हुआ. मैंने आपसे एक बार पूछा भी था, शायद आपको याद होगा कि मैंने एक कोर्स परचेस कर लिया था गलती से, और मैंने आपसे पूछा था कि सर वो बहुत मुश्किल क्वेश्चन कराते हैं, वो मैं क्या करूं, कि इसका कुछ फायदा है, करूं कि नहीं करूं, आप डिमोटिवेट हो रहे थे उसमें काफी ज्यादा. तो आपने यही बोला था कि तुमको क्या लगता है, तुमको लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तब मैंने सोचा और फिर मैंने वो कोर्स छोड़ दिया. मैंने कहा अब जो होगा वो देखेंगे, इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर्स और जो मैं नोट्स पढ़ रही थी बस उसी पे स्टिक रही और वही क्वेश्चंस किए, और फॉर्चुनेटली 2018 का पेपर काफी स्टेबल था, 17 जैसा नहीं आया था. तो यही है कि मतलब ऐसे फंसना नहीं चाहिए बातों में, ऐसा हो सकता है कि पेपर बदल सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी स्ट्रेटजी बदल दें. बिल्कुल सही बात है. और दूसरी चीज है कि कॉम्पिटिशन है, अगर पेपर बदलता भी है तो वो सबके लिए बदलता है, राइट? ऐसा तो नहीं है कि वो साक्षी जैन के लिए पेपर बदलेगा और मेरे लिए नहीं बदलेगा. भाई वो पेपर मैं भी दूंगा अगर, तो मेरे लिए भी बदला हुआ पेपर होगा, मेरे लिए भी नई चीजें होंगी. तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर बदलेगा तो मतलब हमारे लिए एकदम कुछ अलग हो जाएगा और बाकियों के लिए नहीं होगा. ये कॉम्पिटिशन है या रिलेटिव सक्सेस तय हमारी तय हो रही है. ओके, तो आपने मैथ्स के लिए कौन कौन सी बुक्स लगाई, आपने सबसे पहले कौन सी किताब, कि मान लीजिए आज एक बच्चा तैयार, हम ये इंटरव्यू देखता है और उसके बाद सोचता है कि उसे भी इंस्पेक्टर बनना है, तो वो सबसे पहले मैथ्स की कौन सी किताब उठाए?
सर अगर आपको किसी टीचर से पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि आपको किस टीचर से पढ़ना है। मैंने ऐसा देखा है लोग फ्लक्चुएट होते हैं, इस टीचर से उस टीचर, उस टीचर से उस टीचर। जनरली सारे टीचर एक जैसा ही पढ़ाते हैं, उनके मेथड भी सेम ही होते हैं, क्वेश्चन भी सेम ही होते हैं, तो आपको रिलीजियसली एक ही टीचर फॉलो करने हैं। उनको पढ़ो, उनके नोट्स पढ़ो, देन किरण की जो प्रीवियस ईयर की बुक आती है। हाँ, आप किस टीचर से पढ़ते थे? सर जो मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी उन्हीं सर से पढ़ा था मैं, तो उन्हीं के नोट्स में रिवाइज करती थी बार बार, और फिर उसके बाद किरण पब्लिकेशन की बुक लगाई थी 3-4 बार। उसके बाद राकेश यादव सर की एडवांस की बुक आती है सेपरेट, एडवांस मैथ्स की, तो वो लगाई थी 2-3 बार, और उनके अरिथमेटिक की भी सेपरेट बुक आती है तो वो भी लगाई थी, बस नहीं किया था मैथ्स में। किरण आपने कितनी बार लगाई होगी? किरण मैंने सर 3-4 बार तो लगाई होगी, करीब 4 बार लगाई होगी। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो ये इंटरव्यू देखने वाले बच्चे हैं इनको किरण लगाने में बड़ा डर लगता है, क्योंकि उसमें अब देखिए एक तो ये भी है कि जब मैंने तैयारी शुरू की थी तब उसमें 5,000 क्वेश्चन होते थे, आपने की होगी तो शायद 7,300 होते थे, और अभी जो किताब आ रही है उसमें कुछ 10-12 हज़ार सवाल आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी उसमें बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यही है, देखो कितने भी इंटरव्यू आप देख लो, चाहे साक्षी जैन का सुनो, चाहे विक्रांत का सुनोगे आप, चाहे मैंने कैमोमाइल टीवी टॉपर्स में जो ऑल इंडिया रैंक 1 है उसका इंटरव्यू किया था, किसी की भी आप बात सुनोगे आपको एक चीज कॉमन दिखेगी कि सभी ने किरण को कम से कम 3-4 बार लगाया है, जिसने नहीं लगाया है वो यहाँ पे आपको दिखेगा भी नहीं। तो इसलिए अगर आप एक्चुअली में सफलता चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, अब वो आप किरण से लगाइए, शायद उसे लगाइए या कहीं और से लगाइए। एक चीज और बताइए, आपके आज की तारीख में जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि बच्चे किताबों से ना पढ़ के या तो यूट्यूब वीडियो से पढ़ रहे हैं या फिर टीचर्स जो पीडीएफ्स, क्योंकि ये भी एक नया ट्रेंड है कि टीचर्स पीडीएफ दे देते हैं और उन पीडीएफ्स को ही कहते हैं लगाइए, तो कितना सही है वो पीडीएफ्स लगाना, और क्या वो पीडीएफ्स या क्या वो वीडियोज हमारी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं? सर देखो सब चीजें अपनी जगह सही हैं, पर मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट उसको 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए। अगर आप लेक्चर्स देखते हैं तो मतलब जनरली लोग नोट्स नहीं बनाते, जो गलत बात है, क्योंकि आपके पास वो चीज का रिकॉर्ड होना चाहिए जो आपने पढ़ा है, तभी तो आप उसको प्रॉपरली रिवाइज कर पाएंगे। अगर आप पीडीएफ्स भी लगाते हैं तो आपको उनको रिवाइज करना पड़ेगा बार बार। जनरली लोग मैंने देखा है वो वीडियो चालू कर लेते हैं, एक बार लगा लिया और फिर भूल जाते हैं, उसको कोई मतलब नहीं है, बाद में यूजलेस हो जाता है क्योंकि आपको कुछ भी याद नहीं रहता। तो मुझे ऐसा लगता है कि बुक्स इसलिए ज्यादा बेहतर रहती है क्योंकि वो आपके पास नहीं, आप उन्हें बार बार पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और एटलीस्ट मैं तो बुक्स ही प्रेफर करती हूँ। दूसरी चीज है, और मोर और लेस जो कंटेंट है वो पीडीएफ में भी वही कंटेंट है और बुक्स में भी वही कंटेंट है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई अलग से नहीं आ रहा, और अगर अलग से आ रहा है तो रेलेवेंट नहीं है फिर हमारे लिए, तो रेलेवेंट तो ये बात समझने में मुझे बहुत टाइम लग गया कि अल्टीमेटली चीजें सारी एक ही है, वो हमको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट की जाती है बिल्कुल, ताकि बच्चे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हों। इसे डिस्ट्रैक्ट करना नहीं कहेंगे, इसे ये कहेंगे सबको अपनी अपनी दुकान चलानी है। अब दुकान चलाने के लिए अब भाई फाइजर की भी वैक्सीन है, कोवैक्सीन भी वैक्सीन है, भारत बायोटेक की भी वैक्सीन है, सीरम इंस्टीट्यूट की भी है, एस्ट्राजेनेका भी है, और जॉनसन एंड जॉनसन की भी है, तो सब कोरोना की ही वैक्सीन ना, लेकिन सभी ने लेबल अलग अलग लगाया हुआ है, कोई अलग तरीके से काम करता है, कोई अलग तरीके से काम करता है, बस तो बस लेबलिंग अलग है, आप उस लेबलिंग के चक्कर में पड़ोगे तो वो बेवकूफी है। आप सिर्फ एक ध्येय मान के चलो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं, अब वो आप चाहे साक्षी जैन के इंटरव्यू से सुनिए, चाहे विक्रांत से सुनिए, चाहे आप मुझे नाम नहीं याद आ रहा है कैमोमाइल टीवी टॉपर्स में जो ऑल इंडिया रैंक 1 थे, शायद आपने भी वो इंटरव्यू देखा हो, तो उनकी बात को सुनिए। तो खैर आपने ये बताया मैथ्स में, आपका मैथ्स में प्री में स्कोर कितना था? सर मेरा प्री में था 45 मार्क्स। 45 मार्क्स प्री में थे, यानी कि आपने 23 क्वेश्चंस सही किए थे। जी मेरे दो, मैंने अटेम्प्ट पूरे किए थे, दो गलत हो गए थे आपके, तो भी 5 नंबर वो कम हो गए। ओके, और आपके मैथ्स में टियर 2 में कितने मार्क्स थे? मेरा सर 171 मार्क्स था। 171। आपकी क्या चेंज ऑफ स्ट्रेटजी था इन द प्रिपरेशन ऑफ टियर 1 एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ टियर 2? सर जब मैं टीयर 1 में थी, मतलब प्रिपरेशन कर रही थी, तब मैं बेसिकली किरण पे फोकस कर रही थी क्योंकि मैं 3-4 बार उस चीज को सॉल्व कर चुकी थी। किरण में क्वेश्चंस बहुत जरूरी है सॉल्व करना, थोड़ा उनका लेवल भी कम ही होता, तो मैंने वो करना स्टार्ट किया था। लेकिन जब तक मैं टीयर 2 तक आई तो मैंने थोड़े, मतलब बहुत डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, पर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थोड़े बहुत इधर उधर से लगाए थे जो प्रीवियस ईयर्स में आ रहे थे, बस इतना ही चेंज था और ज्यादा कुछ चेंज नहीं था, और जो भी पढ़ा था बस उसको रिवाइज करते जा रही थी।
ठीक है, तो मतलब बेसिकली आपने किरण पहले भी लगाई थी, किरण बाद में भी लगाई थी, बस ये था हाँ, पहले और जो राकेश यादव सर की बुक थी सेपरेट वो भी लगाई थी, बस ये था, जो क्वेश्चंस पहले छोड़ देते थे अब आपने वो नहीं छोड़े थे और उन्हें भी अच्छे अब से। हाँ वो नहीं छोड़े जी। तो ठीक है, आपने कुल मिला के मैथ्स की पूरी स्ट्रेटजी की बात हो गई। अच्छा, टीयर टू में एक चीज और बताइए, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस पहले करें, तो आपने भी क्या डिफिकल्ट क्वेश्चंस पहले नहीं किए थे? नहीं सर, मैंने शुरू से मेरी स्ट्रेटेजी यही रही है कि मैं क्वेश्चंस समझने की कोशिश करती हूँ कि मुझे ये पता करना है कि कौन सा क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ। मैं 10 सेकंड तक वो क्वेश्चन देखती हूँ, अगर मुझसे होता है तो ठीक, नहीं तो मैं उसको स्किप कर देती हूँ। कोई भी एग्जाम के लिए जरूरी है कि आप पेपर समझें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप अपने ईगो पे लेके नहीं बैठ सकते ना कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मैं ये करके ही रहूंगी भले ही फिर टाइम खत्म हो जाए। तो क्वेश्चंस देखिए और छोड़िए, और राउंड पे करिए क्वेश्चन कि एक बार आपने कर लिया, कुछ क्वेश्चन छूट गए, फिर आपने दोबारा किया, तो उसमें क्या होता है ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ऑलराइट, मैंने 18 के मेंस में देखा था कि लोगों को क्या था कि मतलब जो क्वेश्चन में वो फंसे हैं वो उसी में फंसे हैं। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, आप पहले क्वेश्चन डिसाइड करो, ये आपसे होता है तो ठीक है वरना छोड़ दो, और उसको फिर जब आपके पास टाइम मिले तो आपको दोबारा देखो तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अपना जो दिमाग होता है वो शांत हो जाता है तब तक, बिल्कुल तो तब तक वो क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं, चाहे बिल्कुल ठीक है, फिर वो प्री हो या मेंस, ये स्ट्रेटेजी सब जगह काम आती है। बिल्कुल ठीक है। तो मैथ्स की हमने बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में हम जी तीन जी सेक्शंस की बात करेंगे अलग अलग। एक हो जाता है जी हमारा वोकैबुलरी का, एक हो जाता है हमारा ग्रामर का, और एक हो जाता है हमारा वर्बल सेक्शन, जिसमें हम लोग पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताओ, इंग्लिश की तैयारी कौन कौन सी बुक से की और कैसे आपने की है टोटल? सर, मेरे हिसाब से अगर कोई प्रिपरेशन शुरू कर रहा है तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले उसे प्लिंथ टू पैरामाउंट का जो वॉल्यूम 1 आता है वो बुक मतलब कई बार पढ़नी चाहिए और पूरा पढ़ना चाहिए और याद भी करनी चाहिए, क्योंकि उसका जो वोकेबुलरी पार्ट और जो ग्रामर का पार्ट है वो ही मतलब जनरली मैंने ऐसा देखा है कि अभी जिस हिसाब से पेपर आ रहा है उसमें जो वोकैब आ रही है वो एक मेजोरिटी ऑफ पार्ट है वो उसी बुक से है, तो स्टार्टिंग करने के लिए वो बुक बहुत अच्छी है। उसके बाद अगर ग्रामर की बात करें तो मैंने मिरर ऑफ कॉमन एरर्स जो AK सिंह सर की बुक आती है वो वाली लगाई थी, उसमें जो सेट थे वो लगाए थे। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए सर मैंने आपके लेक्चर्स देखे थे अनअकैडमी पे, और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आते थे वो प्रैक्टिस किए थे तब एमबी और पब्लिक, न्यूज़पेपर पढ़ता था जी। एमबी पब्लिकेशन लगाई थी आपने? सर MB पब्लिकेशन मैंने सिर्फ वोकैब के लिए यूज की थी, चाहे तो वो बुक भी लगा सकते हैं पर मैंने सिर्फ वोकैब के लिए यूज की बेसिकली थी। आपने तीन किताबें की, दो किताबें की, आपने एक निप्लिंथ टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1 नीतू सिंह मैम की, दूसरी आपने जी मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, दो किताबें आपने की थी, बाकी वोकैबुलरी और आप सर कॉम्प्रिहेंशन के लिए किरण का जो आता है ना प्रीवियस ईयर का, वो आप उसमें से लगा सकते हैं क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन एक साथ मिल जाते हैं, या फिर PDFs भी लगा सकते हैं किरण आपने की बेसिकली, मतलब जी। आप इसके अलावा चाहे एमबी भी लगा सकते हैं, कुछ लोगों ने एमबी लगाते हैं, कुछ किरण हाँ लगा। हाँ लगा सकते हैं सर जी। तो वोकैबुलरी आप याद कैसे करते थे और रिटेन कैसे रखते थे? क्योंकि बच्चों का सबसे ज्यादा सवाल होता है कि भाई याद तो कर लेते हैं एक बार फिर वो भूल जाते हैं, तो उसको याद करके रिटेन कैसे रखना है और वोकैबुलरी याद कैसे किया आपने? सर एक्चुअली मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मेरी ग्रामर तो अच्छी थी शुरू से, बट मेरा वोकैब पार्ट बहुत वीक था, तो जब मैंने स्टार्ट किया तब मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। मतलब मैं दिन में 5-5 वर्ड भी अगर याद करूँ तो मैं शाम तक भूल जाती थी, मुझे याद भी नहीं रहते थे वो। तो मैंने धीरे धीरे मेमोराइज करना शुरू किया, लिखना शुरू किया कहीं पे कि रोज लिखती थी फिर उसको देखती थी, तो ऐसे धीरे 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 करके ही चीजें याद होंगी। ऐसा नहीं कि हम दिन के 50 वर्ड अगर लेके बैठ जाएं शुरू में तो वो कभी नहीं होंगे, उससे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही होगी। तो धीरे धीरे ही शुरू करो, 5 वर्ड 10 वर्ड 15 वर्ड ऐसे धीरे धीरे करके ही, थोड़ा सा टाइम लगता है वो कैप बनाने में, करीब 4 से 5 महीने आपको लगेंगे तब कहीं जाके आप 1 या 2 बुक एकदम थॉरली याद कर पाओगे। तो वही धीरे धीरे ही याद कर सकते हैं, सबका अपना एक तरीका होता है, कुछ लोग याद कर लेते हैं, कुछ लिख के याद कर लेते हैं, कुछ ऐसे जनरली पढ़ के याद कर लेते हैं कि यहाँ वहाँ यूज देख लिया तो याद कर लिया, मैं तो सर लिख के याद कर लेती थी चलिए अच्छी बात, तो कुल मिला के आपने लिख के याद किया। न्यूज़पेपर का आपने जी। नाम लिया, कौन सा अखबार पढ़ते थे और कितने महीने तक आपने अखबार पढ़ा है और कैसे पढ़ते थे अखबार? सर मैंने मेंस के टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया था, मैंने द हिंदू पढ़ा है तो सर मुझे एडिटोरियल पढ़ने में प्रॉब्लम होता था। मैंने शुरू में ऐसा सुना था कि एक मिथ होती है कि आपको एडिटोरियल पढ़ेंगे तभी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, एडिटोरियल मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था, तो मैं तो फ्रंट पेजेस पढ़ती थी पेपर के, बस ये है कि कुछ भी पढ़ो बस पढ़ो, इंग्लिश पढ़ना जरूरी है, तो मैं फ्रंट पेजेस ही पढ़ती थी जनरली हिंदू में।
कितना आपको क्या लग रहा है, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना वाकई में बहुत जरूरी है या सिर्फ एक ये कहने को मिथ बन चुका है कि भाई सब टीचर कह देते हैं कि वो न्यूज़पेपर पढ़ो, तो कुछ लोग पढ़ते हैं कुछ लोग बिना पढ़े भी सक्सेस पा रहे हैं, ऐसा नहीं है, नहीं होता है, तो क्या लगता है कितना रोल है ये न्यूज़पेपर पढ़ने का आपके लाइफ में इन जनरल या फिर एग्जाम में? सर, न्यूज़पेपर पढ़ने से एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, जिसे हम लोग को कॉम्प्रिहेंशन कैसे जाते हैं, तो उसमें हेलो हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप बोल सकते हो, आपका वीडियो रुक गया है। सर, 1 मिनट। हाँ जी, आप बताइए जी न्यूज़पेपर का कितना। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम आते हो, पेपर वो क्वेश्चंस आते हैं या फिर क्लोज टेस्ट आते हैं, उसमें ये बहुत जरूरी है कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो कंटिन्यूअस, यू नो, सेंटेंसेस की या पैसेज की। तो उसमें जरूरी है कि आप कुछ ना कुछ पढ़ें। जैसे मैंने आपका प्रीवियस इंटरव्यू देखा था, जिसमें आप नॉवल के बारे में बता रहे थे, तो भले ही वो नॉवल हो या न्यूज़पेपर हो, वो जरूरी है पढ़ना, क्योंकि उससे कंटिन्यूएशन बनी रहती है, एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है पढ़ने के लिए। इसलिए जरूरी है कि आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। तो कुछ ना कुछ पढ़ना जरूरी है। तो ठीक है कि आप न्यूज़पेपर में फ्रंट जी पेजेस वगैरह पढ़ते थे, तो क्या आप उससे वर्ड्स को हाईलाइट करके क्या नोट डाउन करते थे कहीं या सिर्फ पढ़ के रख देते थे? हाईलाइट भी कर लेते थे कभी कभी, और कभी कभी पढ़ लेते थे। मतलब ऐसे जनरली क्या होता है, जब आप वोकैब पढ़ने लगते हैं ना एसएससी की, तो ऐसे बहुत सारा जो न्यूज़पेपर में जो वोकैब आता है वो ऑलरेडी आपको कवर हो जाता है। जब मैंने एसएससी की प्रिपरेशन नहीं की थी, तब हिंदी पढ़ना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क था, लेकिन जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की, मेरा थोड़ा सा वोकैबुलरी पार्ट अच्छा हुआ, तो उसके बाद मैंने ऐसा देखा कि इतना डिफिकल्ट नहीं होता है इस मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना, क्योंकि वही वोकैब आपके न्यूज़पेपर में रहती है, वही आपको एग्जाम्स में आती है, तो वो इतना नहीं है। कुछ नया वर्ड मिलता था तो मैं नोट डाउन कर लेती थी, जनरली इतनी प्रॉब्लम होती नहीं थी। तो कुल मिला के अगर आप वोकैबुलरी अच्छे से याद करोगे, अच्छा वाई से वर्ड्स आती हैं, अगर आप न्यूज़पेपर से वोकैबुलरी जी याद जी करोगे तो एसएससी की तैयार हो जाएगी, एसएससी की तैयार करोगे तो न्यूज़पेपर समझ आने लगेगा, दोनों जी 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 ओके। तो न्यूज़पेपर हो गया, आपने वोकैबुलरी आप रिवाइज करते रहते थे, लिख लिख के याद करते थे, ठीक है। ग्रामर के जी लिए आप क्या करते थे? सर ग्रामर के लिए सबसे पहले तो वही प्लेन टू पैरामाउंट में जितने भी टॉपिक्स थे वो कवर अप किए, सारे क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस किए। उसके बाद मिरर ऑफ कॉमन एरर्स में करीब 300 सेट्स हैं बुक में, तो वो सेट्स मैं बार बार करीब करीब नहीं तो मैंने 4 से 5 बार वो बुक लगाई होगी, तो मिरर ऑफ कॉमन उससे एरर्स, दैट्स अ वेरी जी गुड। वो बहुत जरूरी है, बिल्कुल उसमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ग्रामर की, तभी जाके समझ आती है, तो मैंने वही बुक लगाई है सबसे ज्यादा बार। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट को कैसे किया, क्योंकि क्लोज टेस्ट बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है, पैरा जंबल्स बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी नहीं आता है। जी सर, क्लोज टेस्ट मेरा, मेरे को लगता है इंग्लिश में सबसे वीकेस्ट पार्ट है, क्योंकि मैं अक्सर ही क्वेश्चंस गलत करती थी उसमें। तो मैंने अनअकैडमी पे आपकी क्लासेस ली थी उसके लिए, और वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, या फिर अगर मुझे कहीं से पीडीएफ मिल जाती थी तो मैं वो प्रैक्टिस करने की कोशिश करती थी बस। और मॉक टेस्ट, अगर आप मेंस का मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें ऑलरेडी एक बहुत बड़ा पार्ट कवर हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वेटेज होता है मेंस के एग्जाम्स में, तो मॉक टेस्ट से भी बहुत सारी चीजें कवर हो जाती थी। तो आपके इंग्लिश में देखिए बहुत अच्छा स्कोर है, 190 आपने स्कोर किया है, तो आपको क्या लगता है मतलब जी ऐसी क्या चीज थी जिसने आपके इंग्लिश के स्कोर को सबसे ज्यादा आपने आपकी हेल्प करी होगी, मतलब इसकी वजह से आपको लगता है कि मेरा इंग्लिश में स्कोर वाकई में अच्छा है? सर, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की है इंग्लिश में। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जब मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी हो, क्योंकि इंग्लिश मेरी वीक थी, मुझे पता था कि इंग्लिश वीक है तो मुझे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है उस पे। तो मैं रोज वो क्या पढ़ती थी, रोज ग्रामर की प्रैक्टिस करती थी, वही बुक्स बार बार करने की कोशिश करती थी, क्योंकि जब आप बुक बार बार पढ़ते हो ना, तो आपको हर बार एक नया कंसेप्ट ही मिलता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर बार अपन ध्यान नहीं देते उस चीज पे, जब आप बार बार पढ़ोगे तो आपको हर बार एक नई चीज पढ़ने को मिलेगी। और मेन चीज क्या थी, मैं प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करती थी, मॉक्स बहुत ज्यादा देती थी, तो उससे हैबिचुअल हो गई थी मैं इंग्लिश के पेपर देने की, और मेरे मार्क्स भी काफी अच्छे आते थे मॉक्स में। तो वही मेरा अल्टीमेट रीजन है कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली इंग्लिश में। तो प्रैक्टिस इज द की, जी ठीक है। तो हमने मैथ्स की बात कर ली, हमने इंग्लिश की बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं आपके रीजनिंग की। ये रीजनिंग में आपका कितना रोल रहा, रीजनिंग में आपने कैसे अच्छा किया है? जी तो रीजनिंग आपका स्कोर सर रीजनिंग कितना था, पहले तो आप ही बता लीजिए, रीजनिंग जी में आपका स्कोर कितना था? सर रीजनिंग में मेरा स्कोर 48 मार्क्स थे प्री में, और स्कोर अच्छा, इंग्लिश में प्री में कितना था? इंग्लिश में मेरा 45.5 था।
दर्शकों ये देख लो कि नंबर लगभग लगभग सभी में पूरे ही आए हैं, थोड़े बहुत ही इधर उधर हिले हैं, उसके बाद इन्होंने 601 स्कोर किया, दैट वो बहुत ही कमेंडेबल स्कोर है। तो 48 स्कोर आपका रीजनिंग, थैंक यू, कैसे करी रीजनिंग आपने? जी सर, रीजनिंग जब मैं क्लास जाती थी तो वहाँ पे क्लास लगती थी रीजनिंग की कोचिंग में, तो मैंने तभी टॉपिक बाई टॉपिक कवर कर लिए थे। और मॉक टेस्ट में मुझे ये समझ आया था कि कुछ टॉपिक आसान होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं, जैसे कि मिसिंग नंबर आती है, सीरीज आती है, या काउंटिंग ऑफ फिगर्स आते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बुक ले ली थी, वही किरण की प्रीवियस ईयर की, तो एक बार ही वो बुक लगा ली थी। और जो टॉपिक्स मुझे डिफिकल्ट लगते थे या जो मैं अक्सर गलत करती थी, वो मैं रिवाइज करती थी टाइम टू टाइम, बस इतना ही किया, ज्यादा जरूरत नहीं है रीजनिंग की, और मॉक टेस्ट में कवर हो जाती है रीजनिंग। ओके, लेकिन आपने जैसे कहा रीजनिंग की जो किताब है वो बहुत बहुत वास्ट है, उसमें भी करीब 10,000 क्वेश्चंस हैं, तो मतलब कैसे आपने पूरी किताब को वाकई में लगाया था रीजनिंग की आप? जी एक बार लगा चुकी थी मैं। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि किरण की रीजनिंग की बुक में काफी सारी एरर्स हैं, तो मैंने उस टाइम एक बार ही लगाई, उसके बाद मेरा मन नहीं किया क्योंकि उसमें काफी सारी एरर्स थी और उससे बहुत टाइम खराब होता था, तो फिर मैंने वो छोड़ दी थी। मैं सिर्फ वो टॉपिक लगाती थी जो मुझे डिफिकल्ट लगते थे, बस उतने ही टॉपिक में या तो मैंने ऑनलाइन पढ़ लिए थे या कहीं से पीडीएफ से देख लिए थे, बस उतना ही प्रैक्टिस, इससे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं। ये कि मैंने ऐसा देखा है लोग रीजनिंग बहुत लाइटली ले लेते हैं, इतना लाइटली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ टॉपिक होते हैं जो सही में किसी से नहीं बनते, जैसे कि नंबर सीरीज होता है, मिसिंग टर्म्स होते हैं, तो वो अगर आपकी टाइमिंग अच्छी है तो आपसे वो बनेंगे नहीं, तो वो छूट जाते हैं। तो ये जरूरी है कि आप उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि वो भी आपको उतने ही नंबर दिलाएंगे जितने बाकी क्वेश्चन दिलाएंगे, तो सब चीजों की प्रैक्टिस जरूरी है। एक एक बार एटलीस्ट आपको पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए, चाहे वो आसान हो या डिफिकल्ट हो। ओके, तो आप मतलब क्या सलाह देने चाहेंगे रीजनिंग के लिए, क्या उन्हें किरण लगानी चाहिए पूरी, या फिर कुछ शॉर्टकट्स वगैरह पे काम करना चाहिए, या फिर सिर्फ मॉक से रीजनिंग तैयार हो सकती है, क्या आपकी क्या सलाह रहेगी? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो सामने मतलब जो भी तैयारी कर रहा है उसको अपनी पता करना चाहिए कि उसको कौन से टॉपिक एनालाइज करने की जरूरत है, कि कौन से टॉपिक उससे हो जाते हैं, कौन से नहीं होते हैं। जो हो जाते हैं उनको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं होते उन्हें या तो प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक लगा लो, या फिर इतना सारा ऑनलाइन मटेरियल है उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। आजकल तो बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, तो उनसे पढ़ने की कोशिश करें ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए और फिर चाहे तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। That's a good thing. अच्छा, एक चीज और बता दीजिए कि आप कैसे स्टूडेंट थे जब आप स्कूल में थे, मतलब आप बहुत ही पढ़ने में अच्छे थे, मीडियोकर थे, एवरेज थे, या मतलब एवरेज भी नहीं थे, बिलो एवरेज थे, किस तरीके के स्टूडेंट थे? अगर आप अपने बोर्ड मार्क्स बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो, बट वो आपके ऊपर है। एक्चुअली आई वाज प्रीटी गुड इन स्टडीज इन स्कूल। मेरा 10th में जो मार्क्स था वो 94.6 था, आई वाज टॉपर इन सागर डिस्ट्रिक्ट, और 12th में मेरा मार्क्स 89% था। ओके, मतलब आप कुल मिला के पढ़ने में हमेशा से बहुत अच्छे रहे और कभी भी मतलब पढ़ाई में मन लगता रहा है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं था कि कभी पढ़ाई? जी, नहीं सर, पढ़ाई में मैं शुरू से अच्छी थी। ओके, तो ये अच्छी बात है। तो खैर, हमने इसकी बात कर ली, रीजनिंग की बात कर ली, अब आखिरी में हम बात कर रहे थे सबसे पहले जीएस की, कि जीएस क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या होती है ज्यादातर लोगों के लिए, और हम बहुत ज्यादा इनपुट देते हैं, कई बार हमें समझ ही नहीं आ रहा होता हम क्या करें। तो जीएस के लिए कौन सी किताब पढ़ी थी, और अगर किताब नहीं पढ़ी तो टीचर्स ने से पढ़ी, या क्या करना चाहिए जीएस के लिए? सर, एक्चुअली जब हम जीएस स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होता है और कुछ भी समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करना चाहिए। मेरे हिसाब से सर, जीएस के लिए जो हमारे जो 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं सेपरेट, उनको आप पढ़िए, या तो आपको अगर नोट्स मिल जाते हैं कहीं से तो नोट्स पढ़िए, नहीं तो लूसेंट तो है ही, जो सब्जेक्टिव बुक आती है वो बुक से पढ़िए, एक बारी थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस कीजिए, मतलब मेनली आपके जो प्रीवियस ईयर के कोई भी बुक ले लीजिए, किरण ले लीजिए, राखी अवस्थर की ले लीजिए, या घटना चक्र ले लीजिए, उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उससे क्या होता है ना, आइडिया लग जाता है कि अगर हिस्ट्री में क्वेश्चन आ रहे हैं तो किस टाइप के आ रहे हैं, अगर ज्योग्राफी में आ रहे हैं तो किस टाइप के आ रहे हैं, तो उससे आसानी रहती है समझने में सिलेबस को। अगर आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको ये पता होगा कि हमें पढ़ना क्या है, अदरवाइज हम जीएस में पढ़ते बहुत कुछ है और कई बार वो रेलेवेंट भी नहीं होता है हमारे पढ़ाई से रिलेटेड। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप किताब आप क्वेश्चंस लगाएं, जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको ये मालूम होगा कि आपको क्या पढ़ना है, तो आप उसको आसानी से जब इसलिए जब आप लूसेंट पढ़ेंगे आपको ये पता होगा ये पॉइंट पढ़ना है मुझे, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पूछा जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर आप लगा रहे हैं और वो पूछा गया। तो अच्छा, जीएस में कई बार लोग कह रहे हैं कि पैटर्न बदल रहा है, तो जीएस में कितना पैटर्न बदल रहा है, क्या आपको लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी भी रेलेवेंट हैं?
सर थोड़ा बहुत रेलेवेंट है, मुझे लगता है कि अभी जो फोकस है वो शिफ्ट होके स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर्स पे ज्यादा जा रहा है। करंट पे जब मैंने प्रिपरेशन शुरू जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तब मुझे करंट अफेयर्स उतना समझ नहीं आता था और ना ही मेरे पास कोई रिलायबल सोर्स था उसके लिए, तो मैं इधर उधर भटकती रहती थी, कभी ये चैनल कभी वो टीचर्स, तो वो बहुत बड़ी गलती है। उसमें मुझे बहुत बाद में समझ आया कि आपके पास करंट अफेयर्स का एक फिक्स सोर्स होना चाहिए जिसको आप बार बार पढ़ सको, रिवाइज कर सको। ये बात मुझे तब समझ आई जब मैंने 19 का एग्जाम दिया। 18 के टाइम पे तो मैंने बहुत सारे सोर्सेज अप्रोच किए थे कि यहाँ से पढ़ सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं, बट ये बहुत मुझे लगता है ये फूलिशनेस थी, मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे जीएस के लिए भी आपका जो सोर्स है वो फिक्स होना चाहिए और करंट अफेयर्स का भी एकदम, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ें कहीं से भी पढ़ें, वो एकदम फिक्स होना चाहिए जीएस के लिए। तो फिर मैंने करंट अफेयर्स स्टडी आईक्यू से पढ़ा था, गौरव गर्ग सर जो हैं उनके वीकली और मंथली पीडीएफ जो आते हैं वहीं से पढ़ा। आपने जो जीएस में आपका मार्क्स स्कोर कितना था, जीएस में स्कोर बता दीजिए। सर एक्चुअली मैंने हार्डवर्क बहुत किया था पर मुझे रिजल्ट नहीं मिला, मुझे सिर्फ 19 मार्क्स ही आए थे। जीएस का यही होता है कि आप बहुत इनपुट डालेंगे बट जरूरी नहीं है कि उतना हमें रिजल्ट मिले जितना हमें बाकी सब्जेक्ट्स में मिल रहा है। मतलब मैथ्स में आपने मेहनत करी आपके 45 आ गए, इंग्लिश में मेहनत करी आपने 45.5 आ गए, रीजनिंग में मेहनत करी 48 आ गए, लेकिन जीएस में ऐसा जरूरी नहीं होता है। जीएस में आपके 90 ऐसे, सीजीएल 19 में जीएस में कितने हैं आपके? सर 23 मार्क्स थे। जीएस उसमें भी नहीं कुछ खास इंप्रूवमेंट हुआ? नहीं नहीं सर, मैंने बहुत कोशिश की थी और बहुत पढ़ने की कोशिश की थी पर शायद मेरा जीएस पार्ट शुरू से ही वीक था। लेकिन मैं अब इसके थ्रू आपको ये मैसेज देना चाहूंगा बाकी को कि ये समझो कि अब यहाँ पे शी इज सेलेक्टेड, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सेलेक्ट हुई हो, उन्होंने अच्छा स्कोर भी किया है। 601 एक अच्छा स्कोर है और एक अच्छी पोस्ट पे सेलेक्ट हुई है, होम टाउन इनको पोस्टिंग भी मिल जाएगी। तो ये समझिए कि इन्होंने जीएस में एफर्ट किया, नहीं मिला रिजल्ट, वो एक अलग बात है, वो एक अलग मुद्दा है, जीएस में ऐसा ही होता है। लेकिन आप ये समझिए क्योंकि इन्होंने बाकी तीन सब्जेक्ट्स में इतना एफर्ट्स डाल रखा था, इतना एफर्ट दे रखा डाल रखा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की इनके जीएस के लो स्कोर ने इनके लिए, क्योंकि इन्होंने रीजनिंग में 48 ले आए, इंग्लिश में 45.5 ले आए, मैथ्स में 45 ले आई, मेंस में मैथ्स में 171 ले आई, इंग्लिश में 190 ले। तो ये इतने अच्छे स्कोर इन्होंने इन सब्जेक्ट्स में मैटर कर लिए कि रीजनिंग जीएस जो है वो इनके बाकी अच्छे स्कोर के तले दब गया, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसकी इनकी जो प्रोफाइल है उसको खराब बिल्कुल भी नहीं कर पाया वो। और 19 मतलब बहुत अच्छा स्कोर नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब इतना कोई खराब भी नहीं है, ठीक है, मतलब इससे खराब स्कोर मैंने जीएस इसमें देखे हैं जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, मैंने ऐसे ऐसे लोगों के स्कोर देखे हैं जीएस में 5-5 10-10 नंबर तक भी लाते हैं लोग कई बार, तो 19 स्कोर आया। तो अब आप ये बताइए जीएस के लिए बाकियों को क्या सलाह देने चाहिए, मतलब कितना समय जीएस को देना चाहिए, क्योंकि जीएस को लेकर सब बहुत परेशान रहते हैं, और करंट अफेयर्स को कितना समय देना चाहिए, क्या करना चाहिए जीएस के लिए? सर मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स पे ध्यान देना चाहिए अब, मतलब आप पढ़ें और प्रॉपरली उनको रिवाइज करें, उनको बार बार रिवाइज करें। और ऐसे बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, पीडीएफ आती हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं टीचर्स हैं, जो मतलब करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व कराते हैं, तो वो कीजिए। प्लस देखिए कि पिछले साल में जो स्टैटिक के जैसे करेंसीज आती हैं या अपॉइंटमेंट्स आती हैं या मिलिट्री एक्सरसाइज आती हैं, तो ये टॉपिक बाई टॉपिक इनको भी कवर करते चले क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, या जैसे लूसेंट में जो मिसलेनियस करके एक पार्ट होता है उसको भी कवर करने की जरूरत है। तो ऐसे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए जीएस में, ऐसे इररिलेवेंट कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वही पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि उसका कोई फिर फायदा नहीं मिलेगा। सिलेबस देखिए, टॉपिक बाय टॉपिक कवर कीजिए और उनको रिवाइज कीजिए बस। तो आप जीएस के लिए आप टीचर्स की क्लासेस अटेंड करते थे या सेल्फ स्टडी करते थे? सर सेल्फ स्टडी। जीएस सेल्फ स्टडी से ही क्या, मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस अटेंड करते थे? जी। रीजनिंग की नहीं, जब मैं कोचिंग जाती थी तब मैंने किया था, फिर अलग से मैंने कोई ऐसे नहीं किया। बाद आपने नहीं किया? जी। ओके, तो हमने सारे सब्जेक्ट्स की बात कर ली, अब आप ये बताइए मॉक्स आपने कितने दिए थे और कितना रोल रहता है मॉक टेस्ट, और आपका स्कोर मॉक्स में कितना आता था, क्या रियल स्कोर आपके मॉक्स के आसपास आया है या मॉक्स बहुत ही डिसअपॉइंट करते थे या बहुत अच्छा करते थे? सर जब मैंने शुरू की थी प्रिपरेशन के टाइम पे तब सब ऐसा बोलते थे कि जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता आप मॉक नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है मार्क्स नहीं आते तो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पर मैंने प्रिपरेशन के 2-3 महीने के अंदर ही मॉक देना शुरू कर दिए थे, मुझे मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता था, मुझे बस ये था कि जो क्वेश्चन मैंने एटलीस्ट पढ़ लिए वो तो सॉल्व हो ही जाने चाहिए, जो नहीं पढ़े वो नहीं होंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने शुरू से ही मॉक्स देना शुरू कर दिए थे
और जब तक एग्जाम नहीं हुए आई थिंक कितना 1.5 साल लग गया था प्रिपरेशन और एग्जाम के बीच में, तो मैं कंटिन्यू मॉक देती थी और बहुत जरूरी है क्योंकि मेरा जब मार्क्स स्टार्ट हुए थे सिलेबस के बाद तो मेरे 110 आते थे, 115 आते थे, उसके बाद बढ़ते बढ़ते मैं 150 प्लस तक भी पहुंची, तो वो बहुत जरूरी है क्योंकि मॉक्स में मार्क्स आना रातों मतलब एक रात में नहीं बढ़ते हैं किसी के भी मार्क्स, उसके लिए जरूरी है कि आप कंटिन्यूसली वो दें और अपना ग्राफ को ऊपर लेके जाएं। ऐसा नहीं है कि अब एग्जाम 10 दिन बचे हैं तो अब मैं मॉक देना शुरू करूंगी, उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। आपको शुरू से आपकी प्रिपरेशन के साथ मॉक देना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो फिर वो प्री हो मेंस हो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मैं भी हमेशा ऐसे यही कहता हूँ कि आप पहले दिन से मॉक देना शुरू करिए, बिल्कुल परेशान मत होइए, स्कोर नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो मॉक करेगा। क्योंकि उससे होगा क्या, जब आप मान लीजिए मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो जब मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो मान लीजिए मैंने कोई रूल बताया, अब आपके एग्जाम में उस रूल पे मॉक में कोई रूल पे क्वेश्चन आया था, तो आपने देखा अरे सर ये रूल पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये रूल इंपॉर्टेंट है क्योंकि तभी वो पूछा गया था जी। तो आपको वो थोड़ा सा आपका फोकस अच्छा रहता है, अदरवाइज पढ़ते जा रहे हैं पता नहीं एग्जाम में क्या आएगा, पता नहीं सर जो पढ़ा रहे हैं वो आएगा भी नहीं आएगा, हमें भरोसा नहीं होता है कई बार, क्योंकि एस्पायरेंट बहुत ही एक अलग अवस्था में होता है, उस समय हमारी स्टेट ऑफ माइंड अलग होती है और आज की तारीख में आपकी स्टेट ऑफ माइंड अलग होती है, हम उस समय एक अलग तरीके से सोच रहे होते हैं। अभी जब एग्जाम हो गया रिजल्ट आ गया तो शायद पीछे अगर देखे तो शायद अब इमेज एकदम क्लियर है कि उस टाइम पे क्या करना चाहिए था, लेकिन जब आप प्रिपरेशन फेज में होते हो तो आपका स्टेट ऑफ माइंड सही में अच्छा नहीं होता, आपको कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए मॉक बहुत जरूरी है क्योंकि उससे क्या होता है ना कोई क्लियरनेस मिलती है कि हाँ आप जो पढ़ रहे हैं वो सही जा रहे हैं, वो बहुत जरूरी है, उससे आपकी अटेंटिवनेस भी बनी रहती है कि मॉक्स दे रहे हैं तो ये टॉपिक नहीं बन रहा है तो इसको अच्छे से पढ़ना है प्रैक्टिस करना है, तो बहुत जरूरी है कि आप मॉक टेस्ट तो आप ऑनलाइन ही देते होगे आई थिंक जी, कहां से देते थे मॉक टेस्ट का सोर्स भी बच्चे बहुत पूछते हैं। सर मैंने तो टेस्ट बुक से ही शुरू किया था और मैंने सिर्फ आज तक दो ही सीरीज खरीदी हैं, टेस्ट बुक की और एसएससी ट्यूब की, तो मेंस के टाइम पे मैंने मैथ्स के लिए एसएससी ट्यूब यूज किया था, इंग्लिश मुझे थोड़ा इररिलेवेंट लगा था उनका तो इंग्लिश मैंने टेस्ट बुक से किया था मेंस के लिए, और मैथ्स के लिए मैंने एसएससी ट्यूब लगाया था, और प्रीलिम्स के लिए आई थिंक टेस्ट बुक इज मोर देन एनफ। अच्छा, जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपका जो रियल स्कोर आया वो मॉक के आसपास आया या मॉक से अच्छा आया या मॉक से खराब आया? सर मेरे हिसाब से आसपास ही आया, आसपास ही आया। प्रीलिम्स में, मेंस में अच्छा आया है, मेंस में मॉक्स में इतना नहीं आता था, मेंस में तो काफी अच्छा स्कोर है पर प्रीलिम्स में इतना ही आता था। मेंस में जो मॉक टेस्ट बनाते हैं, मेंस के जो मॉक टेस्ट बनाते हैं वो टफ भी तो बनाते हैं। जी जी सर, इसलिए भी। तो आपकी रैंक अच्छा कितनी आती थी मॉक्स में, जब सबसे अच्छी कितनी आई आपकी मॉक्स में? सर आई थिंक एक बार मैं टॉप 100 में थी, ये मेरा बेस्ट स्कोर है आज तक, उसके अलावा मुझे ऐसे कुछ याद नहीं है रैंक वगैरह का, मैं मार्क्स जरूर ध्यान रखती थी। अभी सीजीएल की रैंक आपको याद नहीं है? नहीं, अभी सीजीएल की मेरा 781 है। आप मॉक्स का पूछ रहे हैं कि सीजीएल का पूछ रहे हैं? पहले मॉक्स की पूछ रहा था, अभी मैं सीजीएल की पूछ रहा हूं, अभी कितनी रैंक है? सर 781 ऑल इंडिया रैंक। 781 ऑल इंडिया रैंक, तो दैट्स अ गुड रैंक, अच्छी रैंक है। ओके, तो आपकी हमने मॉक टेस्ट की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं टीयर 3 की। टीयर 3 की तैयारी कैसे की थी और आपने टीयर 3 के लिए क्या किया था, और हिंदी में दिया था या इंग्लिश में दिया था? सर हिंदी में दिया था। सीजीएल 18 का टीयर 3 देने से पहले भी मैंने दो बार दे चुकी थी मैं डिस्क्रिप्टिव, सीएचएसएल का पेपर जब दिया था तब डिस्क्रिप्टिव दिया था, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि किस हिसाब से वहाँ टाइम मैनेज करना है, किस हिसाब से लिखना है, तो मैंने जनरली ऐसी सर्च किया कि ऑनलाइन जो जनरल टॉपिक होते हैं, जो नॉर्मल टॉपिक आते हैं, पहले उनके बारे में प्रिपेयर किया, फिर जो करंट में टॉपिक चल रहे होते हैं थोड़ा बहुत लिख लिख के उनके बारे में भी प्रैक्टिस किया, ऑनलाइन ही जनरली टीयर 3 के लिए ऑनलाइन यूट्यूब से ही प्रैक्टिस की थी। खुद से लिख लिख के प्रैक्टिस किया था? हाँ, ये 4 जो सीपीटी होता है उसमें आपने कितना किस तरीके से प्रिपरेशन किया था या सीपीटी की भी? मैंने सीपीटी के लिए भी मैंने खुद से ही प्रिपेयर किया था, मैंने टाइपिंग करना शुरू कर दिया था बहुत टाइम पहले, तो टाइपिंग की भी मैंने एक बार ही टाइपिंग दे चुकी थी मैं सीएचएसएल 2017 में, पहली बार दिया था तो उसमें मैं फेल हो गई थी क्योंकि उस टाइम मुझे टाइपिंग नहीं आती थी, फिर मैंने टाइपिंग के लिए और अच्छे से प्रैक्टिस की और अपनी टाइपिंग थोड़ा डेवलप की, और एक्सेल शीट वगैरह जो आती है या पीपीटी जो आती है उसके लिए भी मैंने यूट्यूब से ही प्रिपरेशन की थी। ठीक है, तो आपने इस तरीके से सीपीटी की तैयारी की। अब अच्छा ये जानते हैं कि मतलब हमें आपका पढ़ाई में शेड्यूल क्या रहता था, हम शेड्यूल कैसे बनाए और इसके अलावा मोटिवेटेड कैसे रहे कि हमें सिलेक्शन लेना है, और कई बार हम
डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, सबके साथ ही होता है, कई बार लगता है यार लगे हैं, लंबा समय है, पता नहीं होगा नहीं होगा, और कब रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग आएगी, कब क्या होगा, इस तरीके के ख्याल आते हैं। तो शेड्यूल पहले तो ये बता दो कितने घंटे पढ़ते थे, इंक्लूडिंग क्लासेस एंड एक्सक्लूडिंग क्लासेस दोनों तरीके से बताइएगा, और मेरे मोटिवेटेड कैसे रहते थे। सर जब मैं कोचिंग जाती थी तब 6-7 घंटे कोचिंग में लग जाते थे, तो बाकी बच्चा 4-5 घंटे तो एटलीस्ट मुझे पढ़ना ही पड़ता था, क्योंकि जो मैं कोचिंग से पढ़ के आई हूँ उसको भी पढ़ना है, नया रिवाइज भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, तो 4-5 घंटे तब दे पाती थी। और जब कोचिंग खत्म हो गई थी तो मैंने सेल्फ स्टडी के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, तो एटलीस्ट 8-9 घंटे दिन के करीब करीब, क्योंकि 2-2-3-3 घंटे अगर आप पर सब्जेक्ट भी देते हैं उसके बाद आपको मॉक भी देना है, तो उसमें 8-9 घंटे लग जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप रोज रोज 8-9 घंटे पढ़ पाएं, कभी आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा है तो आप ज्यादा पढ़ सकते हैं, कभी कम, मतलब अच्छे मूड में नहीं हो तो कम भी पढ़ पाते हो तो चलेगा, मतलब ऐसा नहीं कि ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, जैसा चल रहा है चलते रहो, बस पढ़ाई मत छोड़ो। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया कि पढ़ाई ही बंद कर दी, पढ़ाई नहीं बंद करनी है, भले ही कम ज्यादा चलते रहनी चाहिए। और मोटिवेटेड कैसे रहते सर? मोटिवेटेड मैं इस लिहाज से रहती थी क्योंकि मैं अपनी जॉब छोड़ चुकी थी, अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था पढ़ने के अलावा, तो आई थिंक ये मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था, क्योंकि मेरे पास अब मैं क्या करूंगी, जॉब तो मैं छोड़ चुकी हूँ, अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगी तो मैं फेल हो जाऊंगी, फिर मैं क्या करूंगी, तो इसलिए मेरे को लगता है यही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था पढ़ते रहने। तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, जो एक वाली बात चल रही है, तो अगर आपके पास प्लान भी नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, ये भी है। जी जी तो आप फिलहाल आप सेलेक्ट हो चुके हो और आप अभी तो सब खुश होंगे, सब अच्छा होगा जी। ओके, तो आगे का क्या प्लान है, क्या आगे और कोई फर्दर एग्जाम की आप तैयारी करने वाले हो या फिर आप इस तक? सर मैंने सोचा है फर्दर एग्जाम्स के लिए, अभी तो कोविड चल रहा है तो कहीं कुछ प्रिपरेशन का मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट हाँ मैं सोच रही हूँ कि एक बार ज्वाइनिंग आ जाए, फिर मतलब जिस हिसाब से मुझे ज्वाइनिंग मिलती है जहाँ भी मिलती है, अगर मुझे सही जगह मिलती है तो फिर मैं आगे प्रिपेयर नहीं करूंगी सीजीएल में, और अगर नहीं मिलती है और मुझे जॉब समझ नहीं आती तो फिर मैं फर्दर प्रिपरेशन करूंगी या कोई और एग्जाम। सीजीएल की करेंगे, यूपीएससी वगैरह का प्लान है? सर सोचा है मैंने यूपीएससी के बारे में, बट अभी कुछ ऐसे श्योर प्लान नहीं है। ओके ऑलराइट, तो हमने आई थिंक सारी बातें जान ली हैं, सारी चीजें हम लोगों ने बात कर ली हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड, हर बात हर पहलू हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये साक्षी जैन और इनकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में हमने जाना, शी गॉट 781 रैंक, राइट? जी 781 की रैंक है एसएससी सीजीएल में, एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट पे सेलेक्ट हुई हैं, बहुत ही जल्दी वर्दी में दिखेंगी जैसे ही इनकी पोस्टिंग आती है, 2-3 महीने में शायद इनकी पोस्टिंग आ भी जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और साक्षी जैन को शुभकामनाएं दीजिए इनके आगे की जर्नी के लिए। और आप लोग भी ये जो इंटरव्यू करने का जो पर्पस है वो यही है कि आप लोग भी ये समझ पाए कि आप देखिए, जब मैंने जो आप इनके साथ भी बात कही वही आपसे भी कहूंगा कि आप ये समझिए कि जब आप एक अभ्यर्थी होते हैं तो आपका स्टेट ऑफ माइंड अलग होता है, जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं आप अलग तरीके से सोच पाते हैं, आप अपनी गलतियों को गलतियां कह पाते हैं, आप अपनी सही चीजों को पहचान पाते हैं कि ये स्टेप मेरा सही था, ये मेरा स्टेप गलत था। तो इसलिए ये सारी चीजें जरूरी हैं, यही मकसद है ये इस तरीके के इंटरव्यूज कंडक्ट करने का। तो अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साक्षी जैन से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो शायद ये किसी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है नहीं मुझे लगता है। जी सर नहीं, मैं हूँ पर मैं ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, तो आप इनसे जुड़ तो है ज्यादा नहीं सकते हैं। तो खैर आपका जो भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में दर्ज कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।